बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 से लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं आबिद। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें हम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या अदर एलिमेंट्स को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड उसके साथ साथ सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स। हैलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो हम स्टार्ट लेते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ये कहा जाए कि आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करें, मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसमें से हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। जो केमिकल रिक्वायर्ड है वो है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड वन इज कॉपर ऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिया गया है लेकिन कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का इसमें क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं। अपरेटस जो रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को या हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए वो है डिलीवरी ट्यूब, ये है डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, कार्क यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको कार्क कहा जाता है, स्टैंड ये वाला स्टैंड है, चाइना डिश इसको चाइना डिश कहा जाता है, सेपरेटस को स्पिरिट लैम्प ये हमें जो नज़र आ रहा है ये स्पिरिट लैम्प है। इसके अलावा हम बुनसन फ्लेम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे पास लैब में जो अवेलेबल अपरेटस है हीटिंग के लिए वो स्पिरिट लैम्प ही है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले हम टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, उसके साथ कॉपर ऑक्साइड डालेंगे, कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे यहाँ, फिर इसके ऊपर कार्क फिट करेंगे। कार्क फिट करने के बाद जिसमें डिलीवरी ट्यूब हमने लगाया होगा वो फिट करने के बाद उसको एयर टाइट करेंगे ताकि इसमें से वाटर वेपर्स या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अदर सब्सटेंस एलिमिनेट ना हो जाए। फिर उसके बाद डिलीवरी ट्यूब का एक एंड टेस्ट ट्यूब में होगा और दूसरा एंड हमारे पास यहाँ पर इस चाइना डिश में कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है ना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मीन कॉपर सल्फेट विच डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, वाइट। इसका मतलब क्या हुआ, चाइना डिश में जो कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है वो क्या होगा, वो वाइट कलर का होगा। अब हम इस मिक्सचर को कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस मिक्सचर को हीट अप करेंगे। अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कन्वर्ट होगा वाटर में और इस तरह यहां पर वाटर वेपर्स बनते जाएंगे। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो अगर यहां पर ये जो वाइट कॉपर सल्फेट है यहां पर ये ब्लूइश होना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस हीटिंग से इस टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल आ रहा है दैट इज वाटर और वो कॉपर सल्फेट के साथ अटैच होके इसके व्हाइट कलर को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में और इस तरह इस कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाएगा,
कीप इन माइंड दिस कॉपर सल्फेट इज नोन एज ब्लू वेट्रियोल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नीला तोता। अमूमन हम इसको यूज करते हैं एज ए जर्मिसाइड। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप करें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड और चाइना डिश में जो वाइट कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है वो ब्लूइश हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीटिंग से यहाँ इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस ट्यूब में जो सब्सटेंस आया है वो वाटर है और वाटर का फार्मूला है H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीटिंग से हमें जो सब्सटेंस मिला है वो H2O है और उसमें हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो अगर कलर वाइट कॉपर सल्फेट ब्लूइश कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे? 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे। इस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ 5 मोल ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट के साथ अटैच होंगे, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में ये मौजूद है साल्ट हाइड्रोलिसिस में चैप्टर 10 में। उसमें ये है कि कॉपर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे वाटर के? 5। आउट ऑफ दिस 5 मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल विल बी अटैच विद द कॉपर आयन, वाइल 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी अटैच विद द सल्फेट आयन। तो टोटल कॉपर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अकोमोडेट कर सकता है? 5। आउट ऑफ दिस 5 4 विल बी अटैच विद कॉपर आयन एंड 1 विल बी अटैच विद द सल्फेट आयन। नाउ अनदर एलिमेंट विच इज वन ऑफ द प्राइम एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। नाउ हाउ वी विल डिटेक्ट कार्बन इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए ये तो हमें पता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आया ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है। और अगर कार्बन के डिटेक्शन का कहा जाए तो हम इसको किस तरह डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें जो केमिकल रिक्वायर्ड है वो यही है जो कंपाउंड हमें दिया गया है, टेस्ट कंपाउंड भी इसको कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टेस्ट कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड और उसके साथ साथ जो रिएजेंट है जिसकी मदद से हम कार्बन को डिटेक्ट करेंगे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके लिए सेम अपरेटस रिक्वायर्ड होंगे, सिर्फ बीकर वहां पर चाइना डिश हम यूज करते हैं हाइड्रोजन के डिटेक्शन में और यहां पर बीकर यूज करेंगे। डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, कार्क, स्टेंड, बीकर और इसमें चाइना डिश नहीं है। नाउ प्रोसीजर इसका वही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो को हम ले लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। 1 पोर्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का और 3 पोर्शन होंगे कॉपर ऑक्साइड का। मतलब कार्बन के डिटेक्शन में हम क्या प्रोपोर्शन लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड के, तो उसका रेशो होगा 1:3। फिर इसके ऊपर हम कार्क फिट करेंगे जिसमें हम डिलीवरी ट्यूब लगा लेंगे, जिस तरह ये है। नाउ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट अप करेंगे, बीकर में यहां पर क्या पड़ा होगा? बीकर में यहां पड़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप करेंगे, अगर कुछ देर के बाद यहां पर व्हाइट पीपीटी बनना शुरू हो गई, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विसल में व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है
और वो कार्बन डाइऑक्साइड आके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है? ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या है? व्हाइट। तो जो व्हाइट पीपीटी बन रही है, या इसको यहां पर हम कह सकते हैं मिल्की अपीयरेंस, मतलब ये सॉल्यूशन पहले ट्रांसपेरेंट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने के बाद या हीटिंग के बाद अगर ये कंपाउंड मिल्की अपीयरेंस शो कर रहा है, मतलब इसमें व्हाइट क्रिस्टल बन रहे हैं, व्हाइट पीपीटी बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीटिंग के बाद यहां इससे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है। इस वजह से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है मिल्की अपीयरेंस में या वाइट पीपीटी में। तो अगर वाइट पीपीटी बन गई, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीटिंग या गिवन कंपाउंड के हीटिंग से जो सब्सटेंस यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वाइट या मिल्की अपीयरेंस के बाद क्या डिटेक्ट हो गया? कार्बन डिटेक्ट हो गया है। फिर सुने, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीटिंग के बाद अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या हो गया? वाइट हो गया, मिल्की अपीयरेंस शो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हीटिंग से कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में चूंकि कार्बन मौजूद है, सो वी कैन से दैट दिस सब्सटेंस आर्टिस्ट कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन, जिसका कलर होता है वाइट। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन।